गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आप कीशा लेकर आई है फुल बॉडी वर्कआउट जिसको हम परफॉर्म करने वाले हैं वाटर बॉटल के साथ। जी हाँ, आपने दो वाटर बॉटल लेनी है भरी हुई पानी की, और जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं इस तरीके से आज का हमने वर्कआउट स्टार्ट करना है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चार एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन कम्प्लीटली ये चार एक्सरसाइज एज इट इज जितनी रिपीटेशन बोली जा रही है आपको फॉलो करनी है। अल्टीमेट रिजल्ट आपको आपके फिजिक में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। कभी भी एक्सरसाइज तभी आपकी बॉडी पे वर्क करेगी जब आप अपना थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे डाइट पर। डाइट कंट्रोल करने का मतलब है कि आपको हमेशा हेल्दी खाना खाना है, शुगर को कट ऑफ करना है, मैदे को कट ऑफ करना है, और जो टेबल सॉल्ट होता है उसकी जगह आपने रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, रिफाइंड शुगर की जगह आपने धागे वाली मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितनी भी रिफाइंड शुगर है या ये नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होते हैं ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने लगते हैं। इसके साथ साथ पानी बहुत ज्यादा पीना है, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन होता है मोटापे का, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे कि हम दिन ब दिन फूलते चले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। गाइस अब बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो वाटर बॉटल लेनी है, एक एक लीटर की पानी भर लेना है, और अपने हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद में आपने अपने लेग को अप करना है, देन डाउन, अप एंड डाउन। ऐसा हम करेंगे 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 3 सेट। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको 1 लीटर की वाटर बॉटल को लेना है और उसके बाद में अपने पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है। अब आपने अपनी बॉडी को डाउन लेकर जाना है, देख लीजिए कंफ्यूज मत होइए, लाइक दिस स्टैंड लेंगे, देन उसके बाद में साइड पे अपनी लेग को लेकर जाएंगे, अगेन सिट करेंगे, देन अपनी लेग को साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपने कितनी बार करना है, 15 टाइम्स, और उसके कितने सेट्स करने हैं, हमने 2 करने हैं। हम इसमें वाटर बॉटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ओवरऑल बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि वेट के साथ वर्कआउट करना। ऐसा करने से जब आप साइड पे अपनी लेग को बेंड कर रहे हैं लाइक दिस, तो इससे क्या आपके लव हैंडल्स कवर हो रहे हैं। उसके बाद जब आप बेंड हो रहे हैं तो इससे आपका पूरा लोअर बॉडी पार्ट यानी आपका थाई, आपका काफ, आपके ग्लूट सब एंगेज हो रहे हैं, जिससे कि वहां का फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लेने वाले हैं 2 वाटर बॉटल, ठीक है। ये बहुत अच्छी है आपके बैक फैट को, यानी जो आपके ब्रा बल्जेस होते हैं वहां के फैट को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगी। तो अब हमने क्या करा, हमने पेट को एंगेज करा, ट्रेन कर लिया, लेग्स को ट्रेन कर लिया, हमने आर्म्स को भी ट्रेन कर लिया जब हमने अप रखा था, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक को ट्रेन करेंगे। बैक को ट्रेन करने के लिए आपने अपनी बॉडी को स्लाइटली सब बेंड करना है, हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, देन इस तरीके से बैक स्ट्रेट, बैक पूरी फोर्स के साथ, हल्के से नीज बेंड रहेंगे, आपका हिप पीछे रहेगा, कमर बिल्कुल आगे रहेगी। 20 टाइम्स 3 सेट। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने दोनों वाटर बॉटल को ले लेना है और उसके बाद में इस तरीके से खड़े हो जाना है। एक पैर को आप आगे करेंगे, दूसरे पैर को आप पीछे लेकर जाएंगे, ठीक है, और अपने पीछे वाले पैर के टोस पर आ जाएंगे और आगे वाला पूरा पंजा आपका जो पैर है वो पूरा जमीन से टच रहेगा। स्लाइटली से बेंड होंगे, दोनों वाटर बॉटल साइड पे जाएंगे, अगेन अप डाउन अप डाउन, 20 टाइम्स ईच लेग, 2 सेट्स।
मेक श्योर कि जो आपका नी है वो आपके टो से आगे नहीं जाएगा, और 20 बार ही आपने राइट साइड करना है, 20 बार ही आपने लेफ्ट साइड करना है। ये चीज का आपने जो है मेंटेन करके रखनी है चीज, ऐसा नहीं कि 15 उधर कर लो। अगर 20 आपको स्टार्टिंग में ज्यादा लग रहा है, बिगनर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 करो, फिर नेक्स्ट डे 15, और उसके नेक्स्ट डे आपने 20 पे जाना है। मतलब अपने आप से बेसिकली सेटिस्फाई नहीं होना, राइट? अदर साइड, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपके सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट होते हैं। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वाला वर्कआउट बेहद पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्यार देते रहें। मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज पर हो तो पेज को फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे जरूर अपना प्यार दो। आई इशा मेहरा, मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।